तो अच्छी गाड़ी थी, लेकिन प्राइस जो उसकी वो बता रहे थे 46 लाख, 46 लाख मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरम मलिक व्लॉग्स वगैरह। मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो खड़ी हुई है, कि जो टेस्ला इंडस्ट्रीज पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान है। और आज इसको नमल में जो है इसको शो किया गया और नमल में इसको लाया गया, और इसके बारे में स्पेसिफिकेशन भी आपको बताते हैं कि गाड़ी की कितनी प्राइस है और इसको चार्ज कैसे किया जाता है और ये तकरीबन एक चार्ज में कितना ये चल सकती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? खैरियत से? अच्छा सर, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जो गाड़ी है सर ये तकरीबन कितना कितने किलोमीटर चल लेती है और इसको चार्ज करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है और इसकी प्राइस वगैरह के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता दें। इसके चार्जिंग आपने पूछे कि चार्जिंग के लिए ये 16 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेती है जी। जी, और एसी चार्जिंग, स्लो चार्जिंग हम इसको कहते हैं, घर पे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसमें जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी है वो है अराउंड घर में है ना 50 रुपये। जी जी, 50 रुपीज़ इंटू 16 यूनिट्स हैं तो 800 में आपकी गाड़ी कम्प्लीट चार्ज हो जाती है। ओके ओके, गाड़ी आपकी चार्ज होने के बाद आपको ये किलोमीटर्स देती है, रनिंग किलोमीटर्स हैं वो 200 किलोमीटर एक चार्ज पे, एक चार्ज के ऊपर। और अराउंड आप देख लें कि आपको 800 में से 200 किलोमीटर अगर आपको इसकी किलोमीटर मिलते हैं तो ये 4 रुपीज़ से 5 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको कॉस्ट पड़ती है, विच इज़ वेरी चीप। एंड एफ आई से कि ये CD70 मोटरसाइकिल से भी इसकी कम कॉस्ट बनती है। वेरी गुड, चलें चलें व्यूअर, जैसे आपने सुना इस बात को कि CD70 से भी एक कम चार्ज में ये जाती है। आप देख लें कि आज के दौर में जो पेट्रोल है वो इतना ज़्यादा महंगा है और आज की इस महंगाई के दौर में अगर आपको इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मिल जाए तो जो आपको एक CD70 से भी कम जो है खर्चा आता है। सर से जो है प्राइस का मैंने पूछा था लेकिन प्राइस जो है उन्होंने अभी तक नहीं बताई। सर से जो है प्राइस वगैरह दोबारा पूछ लेते हैं कि प्राइस वगैरह कितनी है उनकी। कुछ और लोग हैं जो गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये वाली हमने व्हीकल खरीदी है और एक ये वाइट, दोनों की स्पेसिफिकेशन वगैरह जो हैं वो सेम है, लेकिन हम ज़रा टाइम ना वेस्ट करते हुए ज़रा दोबारा जाते हैं सर के पास। सर इसकी प्राइस एक बार ज़रा बता दीजिएगा कि किस प्राइस में मिल जाएगी। प्राइस है 4.65 मिलियन, 46,50,000 में जी जी। अभी ये अवेलेबल है, जुमे से हम लोग इसकी बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और सेंडोरस में इसकी लॉन्चिंग है और डिलीवरीज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ से देना शुरू कर देंगे। और कोई अगर इसकी बुकिंग करवाना चाहता है तो वो किस तरह से करवाए? इसकी आप एडवांस पेमेंट पे आप बुकिंग करवा लें। फर्स्ट हमने 50 यूनिट्स अभी हम फ्लोट करेंगे पाकिस्तान में देंगे, जो हमने नवंबर और दिसंबर में देने हैं जी जी। 40 यूनिट्स हम जो उनसे हैं वो हम जिनकी बुकिंग आई होगी उनको देंगे जी जी। आखिरी जो 10 यूनिट्स होंगे वो हम पूरा नजदीक के जरिए देंगे। चलें, ये मतलब अभी सिर्फ इस्लामाबाद में आई है, बाकी शहरों में भी आप लेके आए हैं? अभी पूरे पाकिस्तान के लिए लेके आए हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए? हम पूरे पाकिस्तान से ले रहे हैं, डिलीवरीज ऑल ओवर पाकिस्तान हम दे सकते हैं। चलें चलें सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। चलें जी व्यूअर्स, ये आपने देखा कि मैं आपको दिखा रहा था गाड़ी की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है आज के दौर में, जहाँ पेट्रोल इतना महंगा है, जहाँ CNG इतना महंगा है, वहाँ पे अगर आपको इस तरह की गाड़ी मिल जाए तो शायद मेरे लिए ये एक मेरे लिए क्या आप सबके लिए एक अच्छी बात ही हो सकती है। तो आज आपको मैं दिखा रहा था कि नमल में जो है इसको लॉन्च किया गया। खैर, आपको दिखाने के बाद अभी हमारी क्लास है जी, जरा क्लास में चलते हैं, क्लास के बाद आपसे फर्दर डिस्कस होती है। हाँ जी व्यूवर्स, अभी क्लासेस वगैरह से हो गए हूँ मैं बिल्कुल फ्री, हमारी आखिरी क्लास थी और अभी क्लास लेके आखिरी क्लास थी तो उसमें हमारा क्विज़ हुआ है और वो क्विज़ दिया है। ज़रा आज हम क्लास से थोड़ा सा लेट ही निकलते हैं, आगे पीछे ज़रा पहले निकल आते हैं, लेकिन आज ज़रा हम थोड़ा सा लेट निकले क्योंकि क्विज़ था। और आपने देखा यार कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने तो आज मतलब कि इतनी छोटी जो है और वो काफ़ी मतलब कि आप कह लें मैरान से भी छोटी गाड़ी थी, मेरे ख्याल से उसका जो साइज़ था ना वो थोड़ा सा कम था यार इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उनको साइज़ थोड़ा सा उसका बड़ा करना चाहिए था, मेरान से भी छोटी थी वो। अगर आपने देखी होगी ना वो यूनाइटेड ब्रावो, एक तो ये खड़ी ना पिकांटो, पिकांटो तो फिर बड़ी है थोड़ी, वो ज़रा यूनाइटेड ब्रावो इससे भी छोटी है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी ये यूनाइटेड ब्रावो से भी छोटी थी। तो इसका ज़रा साइज़ अगर थोड़ा सा बड़ा कर देते तो ये अच्छी गाड़ी हो सकती थी। खैर, बाकी जिस तरह वो बता रहे थे कि ये काफ़ी इको फ्रेंडली कार है और चार्जिंग में इसको इतना टाइम नहीं लगता और खसूसन ये जो है ना एक आपको CD70 से भी जो है कॉस्ट थोड़ी कम देती है, मतलब कि आप CD70 पे भी आपका थोड़ा ज़्यादा खर्चा आ जाता है लेकिन इस गाड़ी का जो खर्चा है ना वो थोड़ा सा कम होता है। तो अच्छी गाड़ी थी, लेकिन प्राइस जो उसकी वो बता रहे थे 46 लाख मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा है। 46 लाख कीमत नहीं थी होनी चाहिए इसकी, 46 लाख बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बनानी थी तो कम अज़ कम आप मिड रेंज में तो बनाते,
आपकी गाड़ी साइज भी छोटी है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी छोटी है, ओनली टू सीटर है और टू सीटर गाड़ी है और उसमें भी आपने उसकी जो कीमत है वो 46 लाख रुपए रखी हुई है, तो जो कम से कम जो 46 लाख वाला सीन है ना, ये नहीं था होना चाहिए, उसकी प्राइस को थोड़ा सा कम होना चाहिए था। 46 लाख में मुझे नहीं लगता कि कोई मिड रेंज की गाड़ी हो सकती है या कोई आम बंदा उसको खरीद सकता है। अगर आपने बनानी थी तो कम से कम उसको आम बंदे की पहुंच में आपको रखना चाहिए था, कम से कम उसकी प्राइस होनी चाहिए थी 20-25 के दरमियान उसकी प्राइस होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा मेरी समझ में वो नहीं आई, लेकिन खैर वो मुझसे बेहतर जानते होंगे बनाने वाले। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि ऐसी गाड़ी बनाए कि यार जो आम बंदा भी ले सके। तो खैर अभी मैं यूनिवर्सिटी से जा रहा हूँ बाहर और आज का दिन भी जो है ऐसे ही गुजर गया, अभी चलते हैं घर। मुझे उम्मीद है जी आपको मेरा आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।